हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आज मैं एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसका ये आज लेक्चर नंबर 1 है मेरा, जिसमें मैं आपको डबल इंटीग्रल के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरीके से फ्यूबिनिस थ्योरम लगा के हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अभी तक आप जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्लास 11th 12th तक जितना भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है उसमें सिंगल इंटीग्रल का साइन दिखाई देता था। अब आप इस चैप्टर के अंदर वर्ड आ गया मल्टीपल इंटीग्रल, चैप्टर का नाम मल्टीपल इंटीग्रल है, तो यानी कि या तो आपको डबल इंटीग्रल दिखाई देगा या ट्रिपल इंटीग्रल दिखाई देगा। अभी हम बात कर रहे हैं डबल इंटीग्रल की, ठीक है। मतलब ये देखो, जहाँ मेरी पेंसिल है, सब बच्चे यहाँ देखो, दो दो साइन इंटीग्रेशन के आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म बनानी है तो नीचे ये आर जो लिखा है, ये आर मतलब रीजन, जिस रीजन के ऊपर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसे पहले आपको एक्स की वैल्यू दी हुई होती थी ना, एक्स गोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, इस टाइप की चीज़ें थी। अब आर आ गया रेक्टेंगल, क्योंकि आप टू डायमेंशन डबल इंटीग्रल है तो दोनों इंटीग्रल्स को अपनी अपनी लिमिट चाहिए, ठीक है। तो एक एक्स की लिमिट होगी तो एक वाई की लिमिट होगी, तो एक्स और वाई दोनों की लिमिट है, तो हमने उसके लिए वर्ड यूज़ कर दिया रीजन, ठीक है। तो देखो, आज जो हम सीख रहे हैं किस टाइप का रीजन सीखेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन, कि हमारे को रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर अगर इंटीग्रल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो पहले देखो, डबल इंटीग्रल है क्या चीज़। इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड रेक्टेंगुलर रीजन आर, मैंने बताया ना, रीजन आर जो है कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता था, एलिप्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, पर हम जो आज की लेक्चर में कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रीजन, कि हमारा रीजन क्या है, रेक्टेंगुलर है। इन द एक्स वाई प्लेन देन द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर आर इज डिफाइंड बाय, देखो पहले एक सिंगल, 12th में जब तक आप कर रहे थे तो आपके पास फंक्शन इस फॉर्म के होते थे, एफ एक्स डी एक्स होता था, एक इंटीग्रल का साइन होता था और एक्स की रेंज होती थी ए से बी, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। अब एक इंटीग्रेशन की जगह बेटा देखो दो इंटीग्रेशन के साइन आ गए, ठीक है। अब एक्स की लिमिट थी ए से बी, अब ओवर दी होल रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ और ब्रेड दोनों होती हैं, तो एक्स और वाई दोनों की रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ से। अब फंक्शन एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन मेरा जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही डी एक्स जब आप लिखते थे तो एक डायमेंशन कवर होती थी, अब क्योंकि डबल इंटीग्रल में आ गए तो दो डायमेंशन कवर करनी है, इसलिए डी ए लिया, डी ए, ए स्टैंड्स फॉर एरिया, ठीक है। तो डी ए हो गया एक स्मॉल एरिया, मतलब सेक्शन का एरिया, ठीक है। तो डी ए आ गया, तो आप इसकी एनालॉजी सेटअप कर लो, सिंगल वेरिएबल से डबल वेरिएबल में चले गए आप, तो आपने हर एक चीज़ में एक एक चीज़ बढ़ा दी, एक इंटीग्रेशन का साइन बढ़ा दिया, एक वेरिएबल बढ़ा दिया, लेंथ से एरिया में चले गए, ठीक है। जैसे डी एक्स एक स्मॉल लेंथ बताता है, ऐसे डी ए स्मॉल एरिया बता रहा है आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन क्या करता था, हमारे को एरिया अंडर दी कर्व देता है निकाल के, 12th में आपने सीखा है। जैसे ये मान लो मेरा एक वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए है यहाँ पर लाइन, ये एक्स इक्वल टू बी है, तो ये सारा एरिया मुझे निकाल कर दे देता था हमारा जो था इंटीग्रेशन। जब हम इस वाई इक्वल टू एफ एक्स को ए टू बी में इंटीग्रेट करते थे तो हमें ये एरिया मिल जाता था। अब की बारी हमारे पास क्या है, इधर देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ, ये देखिए इधर जहाँ मेरी पेंसिल है, मेरे पास सरफेस आ गया जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, क्योंकि मेरे पास अब की बारी थ्री डायमेंशन के कर्व्स चल रहे हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई मेरा कोई भी एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, ओवर दी रेक्टेंगल मुझे उसको जो है इवेलुएट करना है। तो नीचे वाला पोर्शन देखो, ये इसके ऊपर इतने हिस्से के अंदर जो भी आपका रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल में इस कर्व ने, इस सरफेस ने सॉरी, जितना पोर्शन कवर किया आपको वो निकालना है। तो ये अब की बारी क्या बनेगा, ये जो भी पोर्शन होगा ये सब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल, जैसे यहाँ पर एरिया अंडर दी कर्व मिल रहा था, अब ये डबल इंटीग्रल आपको क्या दे रहा है, वॉल्यूम अंडर दी सरफेस दे रहा है, ठीक है। कौन सा वॉल्यूम दे रहा है, देखो इधर, हेयर द डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, सॉलिड मतलब थ्री डायमेंशन, बाउंडेड अबव बाय जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो ये ऊपर वाला कर्व है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, उसको बोल रहा है ऊपर से बाउंड करेगा सरफेस और नीचे से रेक्टेंगल बाउंड करेगा। तो इसके बीच में जितना भी सॉलिड का पोर्शन कवर हो जाएगा हमारा, ये हमारे को डबल इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम निकाल के दे देगा उस पोर्शन का। तो ये समझ लीजिए, जहाँ मेरी पेंसिल है ये पूरे पोर्शन का, ठीक है, सरफेस जितने हिस्से में आएगा रेक्टेंगल के ऊपर उतने हिस्से का ये आपको वॉल्यूम निकाल के देगा, जैसे एरिया अंडर दी कर्व निकालते थे हम जब सिंगल इंटीग्रेशन करते थे। तो इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन के अंदर ये हमारे को फिगर अब क्या दे देगी,
वॉल्यूम निकाल के दे देगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसे वहाँ पर भी अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन करते समय, जब आपने पहली बार डेफिनेशन करी होगी इंटीग्रेशन की, तो टीचर ने आपको बताया होगा जैसे मुझे ये एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटी छोटी ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, अब देखो इसको मैं एक तरीके से, ये रेक्टेंगल बन गया मेरे पास। मैं एक पेन की इंक चेंज कर लेती हूँ। ये देखो छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बनाया, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, थोड़ा सा ही ऊपर का पोर्शन रह जाता है ना, ये रेक्टेंगल है। तो हम इन हर रेक्टेंगल के ऊपर, हर रेक्टेंगल का एरिया लेते जाते थे लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये जो छोटी सी लेंथ, ये जो बनती है, इसको बोलते थे डीएक्स, और ये मेरी क्या होती थी, हाइट वाई होती थी। तो मेरा वाई डीएक्स बनता था। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड था ना, तो वाई डीएक्स हो गया था। अब इस सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना था, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का मतलब फाइनाइट सम, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे, तो पूरे सारे रेक्टेंगल्स का इकट्ठा एरिया निकल आता था, और हम कहते थे ये एरिया अंडर द इंटीग्रल हमारा निकल आया। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा हमने अब यहाँ पे क्या किया, जैसे पहले आपने इसकी स्ट्रिप्स काटी थी, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए और हर रेक्टेंगल के ऊपर एरिया निकाला था, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ये रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है, यहाँ पे देखिए जहाँ मेरी पेंसिल है बच्चों, जो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसके पार्टीशन कर दो। ठीक है, इसके जितने छोटे छोटे हमने पार्टीशन करे, सपोज कर लो मैंने एम एन पार्टीशन कर दिया, एम एन छोटे छोटे रेक्टेंगल बन गए। अब इनका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने ये ले लिया, जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव सेल बोल दिया, इसका नाम मैंने केएथ सेल रख दिया। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट होगा तो किस फॉर्म का होगा, एक्स के स्टार वाई के स्टार, ये मैंने नाम रखा है केएथ सेल का। ठीक है, तो अब की बार जैसे हम ओवर दी रेक्टेंगल वाई डी एक्स ले रहे थे, अब डी एक्स की जगह पे देखो एक एक डायमेंशन बढ़ा दो, डी एक्स लेंथ है, तो अब लेंथ के अंदर एक और डायमेंशन आप डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एरिया। तो ये डेल्टा ए के आ जाएगा। डेल्टा ए के क्या चीज़ है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी केएथ सेल। ये जो रेड कलर से मैंने रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ पे जो छोटा सा रेक्टेंगल बना रखा है जहाँ मेरी पेंसिल है इस वक्त रेड कलर से, इसका एरिया क्या है, डेल्टा ए के। अब आपको इस डेल्टा ए के, ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स ये बने हैं, एम एन सेल्स बने हैं, उन सब के ऊपर आपको इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट सम अब ओवर ऑल दी रेक्टेंगल्स आ गया। और किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एफ एक्स वाई है ना, तो मैंने क्योंकि केएथ सेल के लिए लिखा, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स के स्टार वाई के स्टार। ठीक है, तो अब की बारी मेरी मतलब जो आपकी डेफिनेशन सिंगल इंटीग्रल की थी, उसमें एक एक डायमेंशन बढ़ा दी, तो आपकी डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी डेफिनेशन बन गई डबल इंटीग्रल की। अब बेटा इसको अगर हम इस डेफिनेशन से करने लग गए तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे चलेगा आपको समझ आने लगेगा कि डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करने के आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, कि किस तरीके का रीजन गिवन हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अगर डेफिनेशन की ज़रूरत हो तो आपको। ठीक है, देखो आज हम सीखेंगे फ्यूबिनिस थ्योरम। फ्यूबिनिस थ्योरम क्या होती है बेटा, डबल इंटीग्रल इवेलुएट करने के काम आ रही है हमारे पास ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन का मीनिंग समझ आ गया कि एक्स और वाई दोनों की रेंज आपको मालूम है। एक्स की रेंज आ गई बेटा मेरी ए से बी के बीच में, और वाई की रेंज आ गई बेटा मेरी सी से डी के बीच में। ठीक है, तो रेक्टेंगल जब भी गिवन होगा तो ए बी सी और डी, ये चारों के चारों आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे। राइट, ये याद रखना है कि फिबोनाची थ्योरम लगेगी तभी जब आपने रेक्टेंगुलर रीजन ले रखा है, और ये जो ए बी सी और डी हैं ये सब आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे, तब लगाएंगे। और कब कब आपकी वैल्यू, कब इसके ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है, इफ़ एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ओवर द रेक्टेंगल, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ओवर द रेक्टेंगल। ठीक है, देन द डबल इंटीग्रल, इस डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा इवेलुएट दिस डबल इंटीग्रल, कोई भी एफ एक्स वाई फंक्शन दे देंगे, कोई भी रेक्टेंगल दे देंगे, और आपको कहेंगे ये डबल इंटीग्रल आप इवेलुएट कीजिए। तो इसको इवेलुएट करने के लिए बेटा जो ऊपर डेफिनेशन समझाई उससे तो बहुत मुश्किल है इवेलुएट करना, तो हम क्या करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर रीजन है और मुझे डबल इंटीग्रल इवेलुएट करना है तो मैं फिबोनाची थ्योरम से उसको इवेलुएट कर लूँगी। कैसे करेंगे, देखो डबल इंटीग्रल ये किसके बराबर होता है, देखो इन दोनों को, ये जो दो बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जहाँ मेरी पेंसिल है बच्चों, देखिए ये और ये, इनको बोलते हैं इटरेटेड इंटीग्रल्स, या फिर बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रल। आपने करना क्या है, देखो एक इंटीग्रल के ऊपर वाई की लिमिट लिखो और एक इंटीग्रल के ऊपर एक्स की लिमिट लिखो। तो एक्स मेरा क्या है, ए से बी के अंदर है, तो मैंने लिख दिया एक्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, और दूसरे वाले इंटीग्रल के ऊपर वाई की लिमिट लिखी सी से डी, और फंक्शन को इवेलुएट किया। अगर आप अंदर का इंटीग्रल एक्स वाला ले रहे हो तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और वाई को कांस्टेंट मान लो। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप यहाँ पे, तो आप एक्स की तो लिमिट डल गई तो फंक्शन वाई का बन जाएगा,
फिर वो वाई का फंक्शन जो होगा ना उसके ऊपर बाहर वाला इंटीग्रल इवेलुएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब अंदर वाले का जो आंसर आएगा वो बाहर वाले के लिए इंटीग्रेंड का काम करेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना चाहते हो या विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी आपके पास। देखो आप चाहें तो बाहर वाले इंटीग्रल को एक्स का बना लें और अंदर वाले इंटीग्रल को वाई का बना लें। अगर अंदर वाले इंटीग्रल को वाई का बना रहे हो तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देना फंक्शन को, जो आंसर आ जाए उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अगर आपका ये डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तो दोनों रिपीटेड इंटीग्रल आपके इक्वल वैल्यू के निकल कर आएंगे। आपका मन है तो कोई से भी उससे आप निकाल सकते हो, किसी भी एक इटरेटेड इंटीग्रल से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, दोनों से वैल्यू बराबर आएगी आपकी, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ओवर द रेक्टेंगल आर, ठीक, तो आपके दोनों डबल इंटीग्रल्स जो हैं दोनों ये रिपीटेड इंटीग्रल्स या इटरेटेड इंटीग्रल्स जो हैं बराबर निकल के आएंगे और वही आपकी डबल इंटीग्रल की भी वैल्यू होगी, राइट। और कई बार बेटा ऐसा होता है क्वेश्चन में निकाल तो दोनों से सकते हैं पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें और बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो आसानी से आंसर निकल रहा है, और कई बार लगेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले इंटीग्रेट करें और बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो उससे आसान आंसर निकल रहा है। तो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन को इवेलुएट करते समय देख लेना, ठीक है, कि जो आसान लगे उससे कर लेना, और कई बार दोनों में से किसी से भी कर लो, दोनों ही आसान होते हैं, ठीक है। तो जो आपको फील आए, जो जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आने लगेगी बात, ठीक है। अब देखो बेटा फिबोनाची थ्योरम का क्या रिमार्क है, एक फिबोनाची थ्योरम अप्लाइज ओनली वेन ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर रीजन पे लगानी है और रेक्टेंगल के अंदर जो लिमिट होगी एक्स की और वाई की वो दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ द डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट, अगर आपका डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है आप फिबोनाची थ्योरम से उसको निकाल रहे हैं तो जो दो इटरेटेड इंटीग्रल्स मैंने ऊपर समझाए आपको वो दोनों के दोनों हमेशा बराबर ही निकल कर आएंगे, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग इक्वल, ठीक है, अगर डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। हाउएवर इफ़ द डबल इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दो इटरेटेड इंटीग्रल्स जो हैं वो हो सकता है एग्जिस्ट कर जाएं और वो हो सकता है एग्जिस्ट ना करें, उन पर कोई कंडीशन नहीं रहती, ठीक है। और ऐसा कब होगा डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट ना करे, जब आपकी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ओवर द रेक्टेंगल, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हो सकता है आपका डबल इंटीग्रल उसमें ना निकले, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यूज इटरेटेड इंटीग्रल्स टू कंप्यूट द डबल इंटीग्रल, ये वाला आपको डबल इंटीग्रल निकालना है। देखो आपको दिया हुआ है आर, सबसे पहले डबल इंटीग्रल जब भी हो ना तो ये देखा करो रीजन किस टाइप का गिवन है, कि आपको रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है या आपको दूसरा रीजन। अभी तो क्योंकि आप कर ही रेक्टेंगुलर रीजन रहे हो ना, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा रीजन अलग अलग तरीके के फंक्शन के फॉर्म में आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर देखना है कि रीजन किस तरीके का गिवन है। देखो रीजन मुझे रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है एक्स गोइंग फ्रॉम 1 to 2 एंड वाई गोइंग फ्रॉम 0 to 1, तो अगर डबल इंटीग्रल निकालना और रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ तो वी यूज फिबोनाची थ्योरम, ठीक है। तो फिबोनाची थ्योरम सबसे आसानी से हमें आंसर दे देती है। कैसे लगाएंगे, देखो ओवर द रेक्टेंगल निकालना है आपको ये, तो आपकी मर्जी है, आप एक्स का रेंज बाहर की तरफ रख लो और वाई की रेंज अंदर की तरफ रख लो। वाई दिया हुआ है 0 से 1 और एक्स दिया हुआ है आपको 1 से 2, और फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो वाई अंदर लिया है तो पहले वाई को अंदर की तरफ इवेलुएट कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे इवेलुएट करूंगी, अभी एक्स वाला बाहर ही छोड़ दिया हमने, वाई वाले से इंटीग्रेट करो। y से कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान लो, तो y का x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 और इसकी लिमिट ले लो 0 to 1, ठीक है। तो ये y विद रिस्पेक्ट टू y आपका इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। करो सॉल्व इसको, क्या आएगा देखो बेटा, तो एक ये y की लिमिट है ना, तो y इसमें डाला तो y को 1 डाला तो x स्क्वायर बाय 2 और y को 0 डाला तो 0 हो गया। तो अब देखो आप देख रहे हो ये फंक्शन इंटीग्रेंड जो है अब सिंगल फंक्शन ऑफ x बन गया है, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, तो 3 2 6 आ गया, अब इसमें आप लिमिट ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 2 8 6, सबको पता है fb माइनस fa होता है आपका, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 7/6। अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया तो भी ठीक है, आप चाहें तो मैं दूसरा इटरेटेड इंटीग्रल भी आपको दिखा देती हूँ निकाल के, पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो किसी भी एक से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y को बाहर की तरफ ले लिया और x को अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है। मर्जी आपकी, कोई सा भी ले सकते हैं, और कई बार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किससे आसान बन रहा है, तो जिससे आसान बन रहा हो उससे ले लेना बेटा, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x हो गया और यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया, क्लियर।
अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, देखो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, तो एक्स क्यूब बाय थ्री हो गया, वाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज रह गया, लिमिट ले लीजिए राइट। तो अब लिमिट लेंगे एक्स की, तो टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट बाय थ्री वाई, माइनस एक्स को वन डाला तो ये वाई बाय थ्री आ गया। अब ये देखो इंटीग्रेंट जो है वाई का ही फंक्शन बन के रह गया, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो देखो आपके पास क्या आएगा, एट बाय थ्री वाई की जगह वाई स्क्वायर बाय टू, माइनस वाई की जगह वाई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये आ गया ठीक है। अब इस पर लिमिट ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री, क्योंकि टू और ये कट के फोर दे देगा, तो फोर बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स आ गया, वाई को जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, एलसीएम लिया सिक्स तो ये आ जाएगा सेवन बाय सिक्स। आप देख सकते हैं दोनों इटरेटेड इंटीग्रल्स आपको सेम वैल्यू निकाल कर दे रहे हैं, तो डबल इंटीग्रल की वैल्यू वही होगी जो इटरेटेड इंटीग्रल्स की वैल्यू होगी ठीक है बेटा। तो इट इज सच एन ईजी मेथड अगर आप फिबनिस थ्योरम लगाते हैं तो राइट, बट ये लगेगी तभी जब आपकी आर की जो रेक्टेंगल की जो लिमिट्स दे रखी हैं आपको वो कॉन्स्टेंट लिमिट्स है ठीक है। और देखिए बेटा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बिलो बाय द रेक्टेंगल, मतलब नीचे से रेक्टेंगल है इन द एक्स वाई प्लेन एंड अबव बाय द ग्राफ ऑफ जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई, तो ऊपर की तरफ सरफेस कौन बना रहा है जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई, और रेक्टेंगल कौन सा दे रखा है आपको एक्स जीरो से वन और वाई जीरो से फोर। देखो अब बेटा उसने ना क्वेश्चन में वर्ड नहीं लिखा कि उसको डबल इंटीग्रल आपसे निकलवाना है, उसने वॉल्यूम वर्ड लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि डबल इंटीग्रल अगर आपका सरफेस ऊपर हो और नीचे रेक्टेंगल हो तो डबल इंटीग्रल किस काम आ रहा है, वॉल्यूम निकालने के काम आ रहा है। तो आपको स्टेटमेंट इंटरप्रेट करनी है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन किसका है, डबल इंटीग्रल का है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम इज नथिंग बट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, किसका डबल इंटीग्रल जो आपको सरफेस गिवन है रूट एक्स वाई ठीक है। तो ये है, अब इसको निकालने के लिए बेटा काम वही करना है, हम इसको निकालने के लिए फिबनिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो आपकी मर्जी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाहर कर लो और विद रिस्पेक्ट टू वाई अंदर कर लो ठीक है, या दोनों में से जो मन करे आपका राइट। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो वाई को पहले लिख लेते हैं और एक्स को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई आप कर रहे हैं तो रूट एक्स ही रह जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। अब रूट वाई, रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वाई वन बाय टू का इंटीग्रेशन, वाई थ्री बाय टू और टू बाय थ्री, और वाई की लिमिट डल जाएगी जीरो टू फोर ठीक है बेटा, लिमिट डाल देनी है वाई के ऊपर, तो ये आ जाएगा टू रूट एक्स बाय थ्री, वाई को डाला फोर, फोर थ्री बाय टू तो फोर थ्री बाय टू हो गया, और वाई को जीरो डालेंगे तो जीरो ही रह जाएगा ठीक है। ये आ गया, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, देखो टू मल्टीप्लाइड बाय फोर की पावर थ्री बाय टू को टू स्क्वायर कर लूंगी मैं, तो टू से टू कट जाएगा, करके दिखा देती हूँ, टू इंटू थ्री बाय टू ये हो गया, और ये थ्री बाहर है रूट एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स थ्री बाय टू टू बाय थ्री ठीक है। ऐसे ही करते हैं सब बच्चे, टू टू जो फोर, सॉरी ये तो कट गया, एट टू जो सिक्सटीन बाय सिक्सटीन, टू जो थर्टी टू बाय नाइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा वन ठीक है, वन माइनस जीरो तो थर्टी टू बाय नाइन मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा क्या निकल कर आ गया, वॉल्यूम निकल कर आ गया। किसी बच्चे ने दूसरा इंटीग्रल निकाल दिया तो भी ठीक है, मतलब वाई को बाहर कर दिया एक्स को अंदर कर दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, क्लियर है बच्चों। तो किसी भी तरीके से बेटा इसको निकाला जा सकता था, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि हमने फिबनिस थ्योरम इस्तेमाल करी है राइट। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन रेक्टेंगुलर रीजन के हों, डबल इंटीग्रल निकालना हो आपको, अभी आप देखेंगे ट्रिपल में भी काम आ जाता है, बट अभी तो हम डबल की बात कर रहे हैं तो डबल पे ही कंसेंट्रेट करेंगे ठीक है। तो आप फिबनिस थ्योरम लगा के बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम अपना, तो एक्स साइन एक्स वाई डी ए ठीक है, ओवर द रेक्टेंगल जीरो टू पाई ठीक है, वाई जीरो टू पाई ठीक है बेटा, किसी भी फॉर्म से निकाल लीजिए आपका जो मन करे आपको अच्छा लगे। तो एक्स को हमने बाहर रख लिया, वाई को हमने अंदर रख लिया, कई बार ऐसा हो जाता है देख के हमें लगता है कि दूसरे वाला आसान है तो हम उससे भी निकाल लेते ठीक है। तो ये आ जाएगा ये, अब बेटा इसको हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट इज रह गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और अपॉन एक्स आ जाएगा ठीक है ना, साइन का कॉस एक्स वाई हो गया, माइनस कॉस एक्स वाई और कॉन्स्टेंट से मैंने डिवाइड कर दिया यस ठीक है। ये आ गया, अब कॉस का साइन होता है साइन एक्स वाई, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ बेटा तो वाई कॉन्स्टेंट है तो नीचे वाई से डिवाइड हो जाएगा जीरो टू वाई, तो माइनस साइन, अब ये लिमिट किसकी है एक्स की लिमिट है ठीक है ना, तो x की जगह पे पाई डालेंगे तो पाई y अपॉन y,
और उसकी जगह जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक निकला है मैंने, एक्स से एक्स कट गया था। एक मिनट बेटा, मैं लिमिट तो लेना ही भूल गई हूँ यहाँ पे, सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है। ये हमने इंटीग्रेट तो कर लिया पर लिमिट नहीं ली थी, ठीक है ना। एक बारी देखो, इंटीग्रेट किया, लिमिट नहीं ली ना वाई वाली, तो पहले लिमिट ले लो वाई की, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और वाई को डाल दिया आपने वन, और एक बारी वाई को डाला जीरो, तो कॉस जीरो वन होता है, तो माइनस माइनस एक्स, ये आ गया फंक्शन, ठीक है ना। अब ये खाली एक्स का फंक्शन बन गया ना, अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस के साथ होके प्लस हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, यही आएगा। सॉरी, माइनस भी आएगा, कॉस का साइन होता है ना, तो ये आ जाएगा जीरो से पाई, तो ये आंसर आ गया माइनस साइन पाई प्लस पाई और जीरो, तो साइन पाई जीरो होता है, तो आंसर आ गया पाई आपका, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, तो पूरा आंसर वाई का निकाल लो, फिर इंटीग्रेशन सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बच जाएगी, ठीक। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो, शो दैट द इटरेटेड इंटीग्रल्स वाई माइनस एक्स अपॉन दिस वैल्यू एंड दिस हैव डिफरेंट वैल्यूज, मतलब आप ये देखो, यहाँ पे दोनों बारी एक्स की और वाई की, दोनों की रेंज 0 to 1, 0 to 1 दी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों इटरेटेड इंटीग्रल को आप अलग अलग निकालो, देखो फर्क क्या है, इसमें डी वाई पहले लिखा है, डीएक्स बाद में, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन पहले करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाद में करना है, और इस वाले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई बाद में करना है। वो कह रहा है दोनों इटरेटेड इंटीग्रल्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, और हम अब तक कर रहे हैं कि दोनों इटरेटेड इंटीग्रल्स की वैल्यू बराबर आएगी, तो उसने कहा है कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है फ्यूबिनियस थ्योरम के लिए, तो आपको ये बताना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो यही कह रहा है ना कि दोनों अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको इवेलुएट कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला पहले है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो हमें इसको इवेलुएट करना है, पहले ना अंदर वाला पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी सी टर्म लग रही है ना, तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसको इवेलुएट कर लेते हैं पहले अलग से। तो देखो बेटा, नीचे वाली टर्म मैं अगर ऊपर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, प्लस एक्स माइनस एक्स कर दूँ, न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का होल क्यूब और माइनस 2x अपॉन वाई प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, कर सकती हूँ मैं ऐसे, पता है आप सब करते हो हमेशा ही, ताकि नीचे से वाई प्लस एक्स कट के ये वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना दे, माइनस, अब ये हो गया 2x 1 प्लस वाई प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, डी डी वाई है, सॉरी डी वाई, मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल ले लिया, डी वाई, ठीक है। अब आप देखो, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है आपका, ठीक है, तो वाई प्लस एक्स का होल की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट है एक्स, इसलिए मैं ऐसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ, और ये भी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो 2x बाहर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई प्लस एक्स की पावर माइनस 3 का माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है बेटा, सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, बाद में दूसरे स्टेप में ले लेती हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर, अब ले लेते हैं लिमिट, ठीक है। तो देखो मेरी लिमिट किसकी डलेगी बेटा, एक्स की या वाई की, देखो मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही, तो वाई को 1 डालेंगे, तो वाई को 1 डाला तो ये आ गया, वाई को 0 डाला तो आपके पास आ गया, वाई को 0 डाला तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाओ बेटा, वाई को पहले 1 डालो, ये आ जाएगा, वाई को 1 डाला तो ये आ गया, वाई को 0 डाला तो वाई को 0 डाला तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब मेरे पास आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाए, अब ये आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लूँ एक बारी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1,
ये आया ना, एलसीएम लिया बेटा मैंने, सिंपल एलसीएम लिया है, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमने एक ही इंटीग्रल इवेलुएट किया है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर। इसका नाम दे दो वन, यूज इट इन वन। ठीक है, यूज इट इन वन। तो मेरा डबल इंटीग्रल एक्स 0 to 1 वाई 0 to 1, मेरा क्वेश्चन जो भी था क्या था, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स होल क्यूब डी वाई डी एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 to 1। अब मेरा इसका आंसर आया अंदर वाले इंटीग्रल का दिस। ठीक है, ये आ गया। तो अब डीएक्स के रिस्पेक्ट में बच गया। अब ये इंटीग्रेंट सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, तो आप बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x+1, ये आ जाएगा, तो ये दिस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक इंटीग्रल निकल कर आ गया। अब हम दूसरे वाला इवेलुएट करेंगे। नाउ वी इवेलुएट अनदर इटरेटेड इंटीग्रल। ठीक है, दूसरा इटरेटेड इंटीग्रल क्या है बेटा मेरा, कि अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पहले। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, अंदर पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और बाद में आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है जैसे आपने ऊपर किया है, उसी फॉर्म में आपको इसको करना है। आप सब कर लेना है इसको अपने आप, यू विल सी दैट। मैं लिख देती हूँ, डू इट योर सेल्फ। आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ऊपर -1/2 आई है ना, इसकी 1/2 निकल आएगी। ठीक है, बस इतना ही फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। आप देख भी सकते हैं इसके अंदर कि आप मतलब वाई माइनस एक्स है ना, इसके अंदर एक्स को माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे तो भी आ जाएगा, है ना। बाकी तो सारा ही नहीं, नहीं उससे नहीं होगा, मतलब आप इसको दोबारा इवेलुएट करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं ऊपर वाले, तो आपका इंटीग्रल जो है 1/2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वी हैव सीन दैट द टू इटरेटेड इंटीग्रल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक तो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो डबल इंटीग्रल है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक तो ये बात समझ आई मुझे, और ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज उसने यही पूछा ना कि क्या ये फिबोनाची थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इट विल नॉट कॉन्ट्राडिक्ट फिबोनाची थ्योरम। दिस इज बिकॉज द गिवन इंटीग्रेंड जो हमारे को था इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, 0। देखो जो आपका क्वेश्चन था वो ये है ना, सब बच्चे मेरी जहां पेंसिल है यहां देखो, आप देख सकते हो अगर x और y डिनोमिनेटर में 0, 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर विल वैनिश। अगर डिनोमिनेटर वैनिश है तो फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड एट ओरिजन। ठीक है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द इंटीग्रेंड, जो क्वेश्चन में इंटीग्रेंड गिवन है, वैनिशेस एट ओरिजन। इट मींस फंक्शन fxy इज नॉट डिफाइंड एट ओरिजन। अगर ये डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। मैंने आपको बहुत बारी बताया है कॉन्टिन्यूस होने के लिए बहुत जरूरी है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है। तो fxy इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन, इसलिए जो है फिबोनाची थ्योरम की हाइपोथेसिस ही सेटिस्फाई नहीं हुई। फिबोनाची थ्योरम की हाइपोथेसिस थी कि पूरे रेक्टेंगल के अंदर फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूस होगा, तभी आपके इटरेटेड इंटीग्रल्स जो हैं डबल इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका वैल्यू बराबर आएगा निकलकर। ठीक है, अब यहाँ पे ओवर द रेक्टेंगल, ओरिजिन जो है पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल है, तो जब रेक्टेंगल के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो आपकी फिबोनाची थ्योरम वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस ऑफ फिबोनाची थ्योरम इज नॉट वैलिड हेयर, इसीलिए उसका कंक्लूजन भी नहीं होल्ड कर, इज नॉट वैलिड हेयर। इसका मतलब कंक्लूजन डज नॉट होल्ड, कंक्लूजन भी नहीं होल्ड करेगा। समझ आ गया बच्चों, तो इसका मतलब अगर फंक्शन किसी रेक्टेंगल के ऊपर, जो भी रेक्टेंगुलर रीजन है उस पर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता,
ठीक है, तो फिबनिस थ्योरम के जो इटरेटेड इंटीग्रल्स हैं उनका आंसर डिफरेंट आ सकता है आपका। ठीक है बच्चों, तो मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन लिया था ताकि बच्चों को ये भी बात समझ आ जाए कि इटरेटेड इंटीग्रल्स कई बार अलग अलग भी आ जाते हैं, और वो कब आते हैं, जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे होंगे, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कराती हूँ, जब रेक्टेंगुलर रीजन ना हो, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।